देखिए, एक अंधेरी में कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे किसी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने एक्चुअली दो क्वेश्चन पूछे मुझसे कि पुनीत सुपरस्टार के बारे में आपका क्या राय है और आदि पुरुष मूवी जो आ रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है। सो जो जेन्युइन रिव्यू थे जो मुझे लगता था वो मैंने बोला कि पुनीत जाहिल है, गंवार है, उसको बिग बॉस के लिए डिजर्व नहीं करता था जब भी उसको बिग बॉस में बुलाया गया, और इमीडिएटली विद इन 18 आवर्स वहाँ के लोगों ने उसको एविट कर दिया कि हम पुनीत सुपरस्टार साथ बिग बॉस के घर में नहीं रह सकते। तो जो सच था मैंने बोला, उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आने लगे, धमकी आने लगी। इनफैक्ट उस टाइम मैं अपने होम टाउन में था, एमपी में था, यहाँ पे था नहीं। तो मेरे लॉयर हैं अली काशिफ सर, इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इमीडिएटली अगर तुम्हारी जान को खतरा लग रहा है तो जहाँ पे भी हो उसी सिटी में केस फाइल करो। तो मैंने केस फाइल किया। अब आप मुंबई में केस, फिर से आपको मुंबई में धमकी दिया जा रहा है? जी, मुंबई में आ गए हूँ जब से धमकी आ रहा है। तो काशिफ सर ने मुझसे कहा कि आप आइए इमीडिएटली, अपन उसके लिए एक्शन लेते हैं। तो सर आपको बताएंगे उसके बारे में। सर आप बताइए कि पुनीत सुपरस्टार पर क्या क्या धाराएं लगते हैं, क्या आप केस फाइल में क्या क्या दे? देखिए, जिस तरीके से धमकियां दी जा रही है, आप फैजान के अगर सोशल मीडिया पर अगर देखेंगे तो उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, उनकी फैमिली को रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, उनको घर से उठा लेके इस तरीके की बातें की जा रही है। तो ये हमें पूरा श्योर है और हमें ये कम्प्लीट इस पर हम कोई डाउट नहीं है कि ये काम जो है वो उनके जो मेन जो हीरो है, जिनको जिनके वो फैंस है, वही वो करवा रहे हैं। तो हमारा पूरा ये, अभी हमने ऑलरेडी एमपी में एक पुलिस कंप्लेंट फाइल किया था कि इनकी जान को खतरा है और ये देने वाला यही आदमी है। तो अभी हम वही प्लान, अभी जो है अब ये मुंबई में आए हुए हैं तो मुंबई में भी ये कंटिन्यू धमकियाँ चालू ही है, बंद ही नहीं हो रही है। तो इनकी जान को खतरा है पूरी तरीके से, कभी भी कुछ भी हो सकता है इनके साथ में। तो हम एक मुंबई पुलिस को एक रिक्वेस्ट और एक कंप्लेंट देने वाले हैं, एक एप्लीकेशन देने वाले हैं। और एप्लीकेशन में हम ये डिमांड और ये रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि इस तरीके इस चीज़ पे पूरी की पूरी कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और जल्द से जल्द जो है वो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है और जो भी ये डायरेक्शन और जो भी ये ऊपर से ऑर्डर दे रहा है, ये इसको अरेस्ट किया जाए और जेल में डाला जाए ऐसे लोगों को। क्योंकि इस ये धमकियाँ भरे चीज़ों को जो है वो कोई भी एक्सेप्टेबल कहीं किसी भी तरीके से नहीं है। अब धमकियाँ देने में जो है वो काफ़ी धाराएं लगती है, जैसे कि आप अगर बात करोगे तो 506 लगता है, 506 पार्ट 2 लग सकता है अगर जान से मारने की धमकी दे रहे हो तो, 504 आता है, 500 आता है, डिफेमेशन आता है, तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो अभी हम ये प्रोसेस में है और हम जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई की डिमांड करने वाले हैं मुंबई पुलिस से। देखिए, हम थोड़ा कुछ वक्त पुलिस की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए रुकेंगे, जैसे इन्वेस्टिगेशन हो जाए उनका, इन्वेस्टिगेशन में जो भी आउटपुट आता है हम इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को गो थ्रू करेंगे। अगर पॉजिटिव अगर रिस्पांस मिल रहा है पुलिस से तो हम लोग इमीडिएटली पुलिस FIR रजिस्टर करेगी, अगर ज़रा भी अगर कुछ आगे पीछे होता है तो हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने के लिए तैयार है। देखिए, जहाँ तक एक्शन की बात है, अगर ये FIR रजिस्टर हो गया जल्द से जल्द तो फिर उनको जो है अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस। देखिए, अगर ये FIR रजिस्टर हो जाता है तो पुनीत सुपरस्टार को अरेस्ट किया जा सकता है मुंबई पुलिस के द्वारा और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, उनको बेल एप्लीकेशन डालना पड़ेगा उसके बाद। और अगर ये आरोप सिद्ध हो जाए तो इसमें 3 से 7 साल की सज़ा भी होती है। तो ये चीज़ जो है ये होता है कानूनी कार्रवाई। देखिए, पुनीत पुलिस स्टेशन में आप दर्ज करेंगे कि ऐसा डायरेक्ट देखिए, अभी फैजान जहाँ पे रहता है वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन के हिसाब से जो भी पुलिस स्टेशन लगता है तो वहाँ पे हम लोग ये फाइल करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी धमकियाँ जिस जगह पे फैजान है और वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे भी धमकियाँ दी जा रही है तो सब जगह पे कंप्लेंट फाइल होगी और हम उसके पीछे फॉलोअप करके RDI एप्लीकेशन भी भेजेंगे। हम पूरी तरीके से डिमांड करेंगे, मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस बात पे मिलेंगे और डिमांड करेंगे कि इस तरीके से जो है वो धमकियाँ जो है वो प्रमोट नहीं की जाए, जिस तरीके के जो हरकतें की जा रही है सोशल मीडिया के द्वारा, तो ये चीज़ एडमिसेबल किधर भी नहीं है, ये चीज़ गलत है। देखिए, पुनीत सुपरस्टार का अभी बचना बहुत मुश्किल है, जितनी लीगल चीज़ें हम लोग करते जा रहे हैं। MP में उनके अगेंस्ट केस फाइल हो गई है, मुंबई में हम लोग अभी स्टेप ले रहे हैं क्योंकि मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पे एक एक्टर्स को आर्टिस्ट को हम लोग को काम मिलता है। सो अगर पुनीत सुपरस्टार भी यहाँ आते हैं तो अभी जैसे वो गाज़ियाबाद या UP के हैं तो वहाँ के लोग तो वैसे भी धमकी देने इन चीज़ों में बहुत आगे आते हैं, आप लोग न्यूज़ देखते रहते होंगे। इसलिए मुझे इसलिए वैसे ज़्यादा टेंशन हो रहा है और मेंटल हरेस मुझे बहुत करा जा रहा है पुनीत सुपरस्टार द्वारा। और मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि फैज़ान अंसारी मनीष पॉल नहीं है, फैज़ान अंसारी कृष्ण अभिषेक नहीं है जो पुनीत सुपरस्टार की धमकी से डर जाएगा। मैं लीगल एक्शन लूँगा, जब तक मेरी ज़िंदगी है अपनी ज़िंदगी आखिरी सांस तक लड़ूंगा।
और अभी पुनीत सुपरस्टार की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। क्या आप पुनीत सुपरस्टार जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होगा बिग बॉस में तो आप क्या करें? नहीं, अगर पुनीत सुपरस्टार वाइल्ड कार्ड में जैसे लोग कह रहे हैं जाने वाले हैं तो आपको पता होगा अगर किसी के अगेंस्ट कोई केस फाइल है तो वो किसी शो में नहीं जा सकते, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते जब तक उन्हें मुंबई कमिश्नर सिटी कमिश्नर परमिशन नहीं दें। तो इमीडिएटली पुलिस उनको बिग बॉस हाउस से बाहर लेके आएगी। अगर कोई शो उनको लेता है तो वो भी इलीगल पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि मैं देखिए पुनीत सुपरस्टार और फैजान अंसारी में बहुत फ़र्क है। अगर पुलिस सुपरस्टार जेल जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतना सब कर दिया है तो भी मैं उनके फैमिली के उनके सपोर्ट में रहूँगा। मैं नेशनल चैनल पर अनाउंस करता हूँ अगर मेरी वजह से पुलिस सुपरस्टार जेल जाते हैं तो उनकी फैमिली को 25,000 पर मंथ मैं दूंगा। उनकी फैमिली का ख्याल रखूंगा, उनकी फैमिली को खाना प्रोवाइड कराऊंगा, मैं उनका ध्यान रखूंगा। इनफैक्ट जब वो जेल से आएंगे पुलिस सुपरस्टार मैं उनसे पर्सनली मिलने भी जाऊंगा क्योंकि मुझ में उनमें कुछ फ़र्क है। मैंने ये सब किया नहीं, मुझे तो उनसे जान की धमकी का डर है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर वो सामने आके रिटर्न में देने को तैयार हैं कि अब फैजान अंसारी को मुझसे कोई ख़तरा नहीं है तो मैं ये केस वापस भी लेने को तैयार हूँ। जी पुलिस उनसे कोशिश कर रही है, बराबर उनसे कोऑर्डिनेट कर रही है। उन्होंने अपना नंबर इंस्टाग्राम से हटा दिया है, बट पुलिस उनको कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। और जितना भी वो कमिट करते हैं मीडिया में सोशल मीडिया में सब झूठ बोलते हैं कि मुझे 25,000 करोड़ की मूवी मिल रही है, 30,000 करोड़ की मूवी मिल रही है। पुनीत सुपरस्टार एक नंबर का भिखारी आदमी है। मैं आपको बताऊं बिग बॉस के घर में जाने के लिए उसके पास कपड़े नहीं थे तो एक मुंबई की बहुत बड़ी सोशल वर्कर है निदर्शन और गवानी मैडम, उन्होंने उसकी हेल्प करी, उसको कितने कपड़े दिए जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर है। पुनीत सुपरस्टार ने खुद उनको थैंक यू बोला था। तो ये सब झूठ बोलता है, ये सब दिखावा करता है। और बस मुझे आप लोगों के थ्रू मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये थ्रेड्स आना बंद हो जाए, मुझे धमकी आना बंद हो जाए। इसलिए मैं सर के सपोर्ट में आया हूँ। सर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पुलिस पे, इन्वेस्टिगेशन पे। जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई करके जो भी सच सामने आएगा तो सबके नाम आएंगे कि कौन कौन किस चीज़ों में इन्वॉल्व है। और जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि एक बार अगर एफ आई आर रजिस्टर हो गया तो तब तक वो कोई भी घर में नहीं जा पाएगी या किसी सामने नहीं आ पाएगी किसी के तब तक जब तक उनकी एंटीसिपेटरी बेल ना हो या कोई नॉर्मल बेल ना हो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि FIR अगर हो गया तो काफ़ी चीज़ें जो है वो दिखी आएगी, समझ में आएगी। और काफ़ी चीज़ों जो है वो जो दिखा रहे हैं वो जो बता रहे हैं वो चीज़ की हकीकत भी सामने दिखी आएगी कि क्या सच है क्या झूठ है उसके अंदर। जी उसकी कॉपी है ऑलरेडी, वो पूरा सब मीडिया हाउसेस के पास ऑलरेडी है, वो तो दुनिया देख रही है। अभी तो गूगल पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और मैं सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के नेशनल चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर फैजान अंसारी की जान को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुनीत सुपरस्टार की होगी। और अगर इस केस की वजह से पुनीत सुपरस्टार अभी जेल जाने वाले हैं, जेल में वो कुछ भी उनके साथ कुछ होता है या वो कुछ ऐसा कदम उठाते हैं तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी क्योंकि मैं डिफेंस में ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मुझे ये सब चीज़ों का कुछ आदत नहीं है, ना मुझे ये सब चीज़ करना है। मुंबई में हम लोग अभी केस फाइल करने जा रहे हैं, इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया। सब नोटिस, लीगल नोटिस भी उनको जाने वाला है। पुलिस केस फाइल हो रही है मुंबई कमिश्नर को भी, जैसे सर ने अभी बताया, काशिफ सर ने, जो ऑलरेडी सेलिब्रिटी लॉयर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के केस फाइल करते हैं, इसलिए मैं इनके पास आया हूँ उनकी हेल्प के लिए। तो ये कह रहे हैं सब मैं हैंडल कर लूँगा। सर आप बताइए कब तक केस फाइल हो जाएगा, कब तक आपको लगता है कि पुलिस सुपरस्टार पे एक्शन? देखिए हम तो पूरी प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, हमारे सारे ड्राफ्ट बन चुके हैं, हमारे सारे एविडेंस भी हमारे पास आ चुके हैं और जितनी भी चीज़ों के रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें कनेक्टिविटी में आ रही है वो सब हमारे पास आ चुकी है। अब जैसा आप जानते हो कि पहले उनके प्रोफाइल पे, पुनीत की प्रोफाइल पे नंबर अवेलेबल नहीं था और अभी जैसा आप फैजान बता रहे हो कि नंबर भी अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये नंबर क्यों निकाला गया हुआ है? और ऐसा क्या है, क्योंकि हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है MP की तरफ से भी, उन्हें फ़ोन किया रहेगा उनको। तो ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी प्रोसेस में चालू हो चुकी है। अभी हम ये इसलिए मुंबई पुलिस पे भी ये चीज़ डालने की हम पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है हमारी। हम कोशिश कर रहे हैं कि कल के कल ही हमारा सब कुछ रेडी हो जाए, जितने भी एविडेंस रिकॉर्ड पे आ गए तो हम कल के कल ही कंप्लेंट फाइल कर देंगे। यदि आप पुलिस स्टेशन में आपका FIR नहीं लिया तो उसके आगे आप कोर्ट में जाएंगे या? देखिए जब पुलिस अगर अपना काम नहीं करती है तो कानून जो है वो कभी भी किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर डिपेंड नहीं करता। कोर्ट अगर चाहे तो कोर्ट डायरेक्ट समन्स इशू करके कोर्ट भी रजिस्टर FIR करवा सकता है। देखिए जहाँ तक आप एक कानूनी तौर पे अगर बात करें तो आखिरी मैसेज यही होगा कि इस तरीके की जो धमकियाँ है और जो भी लोग अगर कर रहे हैं, अगर पुनीत का ये कहना है कि ये उनका काम नहीं है तो उनका काम ये भी बनता है कि उनके लोगों को समझाना कि ये तरीके की चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाए, वायलेंस क्राइम को प्रमोट नहीं किया जाए। क्योंकि अगर हम आके सोशल मीडिया पर एक अच्छा मैसेज अगर देते हैं कि आप ये करिए, आप ऐसे करिए, आप अगर वो करिए तो इससे एक गुड मैसेज आता है। लेकिन अगर आपके फॉलोअर्स अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आपका ही ड्यूटी बनता है कि आप अपने फॉलोअर्स को ये समझाइए कि इस तरीके के वायलेंस, इस तरीके के प्रमोशन को, क्राइम प्रमोट ना किया जाए और कानून का पालन पूरी तरीके से किया जाए। तो यही एक मेरा मैसेज रहेगा।
बिल्कुल कहना चाहता हूँ मैं कि मैं देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पुनीत सुपरस्टार और मुझ में बहुत फ़र्क है। मैं उनकी तरह ऐसा क्रिमिनल नहीं हूँ ना ऐसा सोचता हूँ, मैं तो एक आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर हूँ। अगर पुनीत सुपरस्टार इस केस की वजह से जेल जाते हैं, जो अब बहुत पॉसिबिलिटी जेल जाने की उनकी बढ़ गई हैं, तो मैं पुनीत सुपरस्टार को पूरा आश्वासन देता हूँ, उनकी पूरी फैमिली का ध्यान मैं रखूँगा जब तक वो जेल में रहेंगे। बिल्कुल अपनी फैमिली समझ के उनका ध्यान रखूँगा, क्योंकि मैं ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, अपने डिफेंड में पूरा मैं ये सब कर रहा हूँ। तो बस लास्टली मेरा यही मैसेज था उनके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ पेपर डिस्कशन करते हैं, वो चाहिए क्या आपको? हाँ। कारण समझाता हूँ। Okay.